जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, औषधि के अन्वेषक कौन है, यानी औषधि के जनक यानी खोजकर्ता कौन है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा हिप्पोक्रेटस। बिल्कुल सही आपने सोचा, हिप्पोक्रेटस, ये हो गया इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। डबल लीग का सूत्र क्या होगा? जी हाँ, डबल लीग का सूत्र क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा n इंटू एन माइनस वन, ये हो जाएगा डबल लीग का सूत्र। ये भी सूत्र बहुत बार पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 82 है, खेल प्रतिभा खोज योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका सन बताना कि खेल प्रतिभा खोज योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो 1970, 1970, 1971 में खेल प्रतिभा खोज योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक, इसको अभ्यास करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये जो सन होता है आसानी से याद नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 83 की तरफ। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का और अन्य नाम क्या है, यानी कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही क्या होगा, अन्य नाम क्या होगा? जी बताएं, कुछ आइडिया, कोई गैस? इसको बोलते हैं बर्गर सिस्टम। ठीक, अन्य नाम है बर्गर सिस्टम। तो ये हो गया राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का दूसरा नाम, इस नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 84 है, नॉक आउट टूर्नामेंट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं मूलर। ठीक है, मूलर, इसके अलावा एंडरसन, मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड, इस नाम से जाना जाता है ये नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 85 है, कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप कितना होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये बताना है। कुछ आइडिया, कोई गैस? चलिए 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, ये होना चाहिए कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप। प्रश्न नंबर 86 है, फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब क्या होगा, पैडोग्राफ। पैडोग्राफ इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही गेस किया आपने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 87 है, हड्डियों में फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं? हड्डियों में जो फ्रैक्चर होता है उसके प्रकार बताने हैं कि कितने होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, श्वसन की परेशानी कहलाती है, तो श्वसन की परेशानी यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत होती है उस परेशानी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डाइसोफिया। डाइसोफिया में सांस लेने की दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 89 में होगा क्या, ग्रीवा संधि यानी ये ज्वाइंट्स है, किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, ज्वाइंट से रिलेटेड जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो सब ज्वाइंट्स पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ पर केवल टू द पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ही चर्चा करेंगे। सही जवाब इसका पीवट। ठीक है ना, ग्रीवा संधि किस संधि का उदाहरण है? तो ये पीवट ज्वाइंट्स या संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 90 है, संवेग का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? ठीक है, ये बताना, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, जो भी है। तो सही जवाब हो जाएगा ये द्वितीय नियम है। प्रश्न नंबर 91 है, त्रिध्रुवीय जोड़ किसे कहते हैं, यानी त्रिध्रुवीय जोड़ किस संधि को कहते हैं? ठीक, तो सही जवाब होगा बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, इसी को कंदुक खल्लिका। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को
तीर ध्रुवीय जोड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसी को कंदुक खल्लिका भी कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 92, पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, अरस्तु, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, सही जवाब है। प्रश्न नंबर 93 है कि धावन पथ कितने प्रकार के होते हैं? जी, धावन पथ कितने प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार। ठीक, धावन पथ 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 94, संसर्पी संधि उदाहरण है, संसर्पी संधि किस संधि का उदाहरण है ये आपको बताना है, क्या हो सकता है? सही जवाब ग्लाइडिंग, संसर्पी जो संधि है वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 95, बल का मात्रक क्या है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है लेकिन रिपीट हुआ है कई बार, न्यूटन, वही न्यूटन जो फिजिक्स के जनक हैं। चलिए प्रश्न नंबर 96 देखिएगा, मांसपेशी की इकाई को क्या कहते हैं? मांसपेशी की इकाई को क्या कहते हैं? कुछ गेस करिए, कुछ आइडिया, कोई गेस। चलिए, आपने गेस कर लिया, मैंने मौका भी दिया आपको, इसको बोलते हैं माइक्रोन। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को याद कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। बाकी फास्ट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, 2 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहाँ से। प्रश्न नंबर 97 देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितने विश्व कप अपने नाम किया? यानी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, वो भी क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुका है? जी बताएं। चलिए, बहुत सही गेस किया आपने कि 5 बार, सही जवाब। प्रश्न नंबर 98 देखिएगा, 13वां ICC वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाना है? यानी जो 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कब और कहाँ पर किया जाना है? ठीक है, तो बहुत सही जवाब हो जाएगा, 2023 में, वो भी इंडिया में, यानी भारत में 13वें क्रिकेट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है। ठीक, प्रश्न नंबर 99 है, भारत ने अपना पहला विश्व कप क्रिकेट किस वर्ष जीता था? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल रटा है, बिल्कुल दिमाग में है आपके कि 1983 ही होगा, इसमें कोई डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 100 देखिएगा, किस ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ? यानी कब कब ओलंपिक आयोजन नहीं हुआ है? तो पहला सन आप याद कर लीजिए 1916, ठीक है ना, 1916 के बाद में 1940, नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, 1940 के बाद 1944 और फिर 2020 में ये ओलंपिक आयोजन नहीं हुआ। ठीक, तो ये वो क्वेश्चन थे जो बार बार पेपर में आए हैं और फिर आने की संभावना है, और प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।